I wish you good fortune in the wars to come. And now it begins. No. Now it ends. गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो टीवी शो में अपनी जगह नहीं बना पाए, उनका बस एक एपिसोड के लिए रोल रहा, मगर किताबों में इनके बारे में काफी कुछ अवेलेबल है। आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर आर्थर डेन पर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो फिर जो हुक्म मेरे आका। सर आर्थर डेन को स्वॉर्ड ऑफ द मॉर्निंग कहा जाता था। उनके पास अपनी खानदानी तलवार डॉन थी। इस तलवार के बनने की अपनी एक पूरी कहानी है। ये विलेरियन स्टील नहीं है, बल्कि ये आसमान से टूटे एक तारे के मेटल से बनी है। क्योंकि उनके पास डॉन नाम की ये तलवार है, इसीलिए उन्हें स्वॉर्ड ऑफ द मॉर्निंग कहा जाता है। वो स्टारफॉल के लॉर्ड बेरिक डेन के बेटे थे। उनकी बहन का नाम अशारा डेन था। Arthur Dayne, the Sword of the Morning. Led the attack on the Kingswood Brotherhood, defeated the Smiling Knight in single combat. सीजन 2 में हमें दिखाया जाता है कि किंग जॉफरी बराथियन द बुक ऑफ ब्रदर्स पढ़ रहा है। यहाँ पर जब वो सर आर्थर डेन के पेज पर आता है तो उनकी अकम्पलिशमेंट्स देखकर इम्प्रेस होता है। वो किंग एरिस टारगेरियन के किंग्सगार्ड में शामिल थे। मैट किंग के जमाने में किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर का नाम गेरल्ड हाईटावर था। एक दफा वो बहुत ज्यादा घायल थे और तब सर आर्थर डेन ने किंग्सगार्ड को कमांड किया था। सर आर्थर डेन की जवानी के दिनों का एक किस्सा बहुत मशहूर है। जेमी लैनिस्टर बुक्स में सर आर्थर डेन और स्माइलिंग नाइट की लड़ाई को याद करता है। असल में स्माइलिंग नाइट एक रेबल था, उसे पागल कहा जाता था, बहुत ज्यादा क्रूअल था वो। सर आर्थर डेन ने स्माइलिंग नाइट को मार गिराया था। जेमी किताबों में उसे ग्रेगर क्लिगेन द माउंटेन से कंपेयर करता है। जेमी आर्थर डेन का लगभग भक्त था, वो उन्हें बहुत ज्यादा एडमायर करता था। जेमी याद करता है कि डेन और स्माइलिंग नाइट के बीच हुए कॉम्बैट में उसकी तलवार टूट जाती है, तब डेन उसे दूसरी तलवार लेने का मौका देता है। तब स्माइलिंग नाइट कहता भी है कि असल में वो डॉन चाहता है, यानी आर्थर डेन की टूटे हुए तारे से बनी तलवार। दोबारा मौका मिलने के बाद भी स्माइलिंग नाइट सर आर्थर डेन को हरा नहीं पाता। स्माइलिंग नाइट को मारना आर्थर डेन की मशहूर कहानियों में से एक है। जेमी के हिसाब से सर आर्थर डेन सेवन किंगडम के सबसे अच्छे तलवारबाज थे। ऐसे में नेट स्टार्क का सर आर्थर डेन को मार डालना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हम जानते हैं कि सीजन 1 में जेमी जब मौका मिलता है तो नेट को कॉम्बैट के लिए ललकारता है। किताबों में इस बारे में डिटेल से बताया गया है। लोग जानते थे कि सर आर्थर डेन का अंत नेट स्टार्क के हाथ हुआ। जेमी को इस बात पर यकीन नहीं था। वो देखना चाहता था कि असल में एडार्ड स्टार्क कितने बड़े तलवारबाज हैं। एक्चुअली नेड स्टार्क ने भी आर्थर डेन को मारने के बाद टर्नीज में हिस्सा लेना बंद कर दिया। अब इसकी दो वजह हो सकती हैं, या तो वो बाकी लोगों के सामने अपनी बनी इमेज को तोड़ना नहीं चाहते, दूसरी वजह यह हो सकती है कि अपनी बहन के मरने के बाद वो जिंदगी में शांत हो गए। उन्होंने टर्नीज में यानी खेलों में हिस्सा लेना इसलिए बंद किया। वजह जो भी हो, जेमी जानना चाहता था कि नेड तलवार के साथ क्या कुछ कर सकता है। अब आप सोचेंगे कि आर्थर डेन यहाँ पर डॉन में नेड स्टार्क के सामने मौजूद थे ही क्यों? एरिस टारगेरियन का बेटा रेगार टारगेरियन सर आर्थर डेन का दोस्त था। इसके अलावा सर आर्थर डेन उन्हें अपना होने वाला राजा मानते थे। एक खेलकूद के मुकाबले यानी टर्नी में नेट स्टार्क अपनी बहन लियाना स्टार्क के साथ मौजूद थे। वहां रेगार टारगेरियन का दिल लियाना पर आ गया। कहा जाता है कि इसके बाद रेगार ने लियाना को किडनैप कर लिया। रेगार खुद शादीशुदा था, मगर उसने इस बात की परवाह नहीं की। लियाना की शादी रॉबर्ट बराथियन के साथ तय थी,
जब रेगार ने लियाना को किडनैप किया तब रॉबर्ट ने रेगार के पिता यानी किंग एरिस टारगेरियन के खिलाफ बगावत कर दी। वो रेगार को मारना चाहता था। उस वक्त भी सर आर्थर डेन रेगार के साथ थे, वो उन्हें सर्व करते थे, रेगार जो कहता वो वही करते। रेगार ने लियाना को डॉन में रखा हुआ था। आर्थर डेन लियाना की निगरानी कर रहे थे या शायद लियाना से भी ज्यादा कीमती किसी चीज को बचा रहे थे। ओके, तो अब स्पॉयलर्स हैं, अगर आप आगे नहीं देखना चाहते तो वीडियो को यहीं पर बंद कर दीजिए, और अगर आपको आगे की स्टोरी पता है तो फिर बात कर ही लेते हैं। सर आर्थर डेन रेगार के बेटे की जान बचा रहे थे। रेगार के पिता यानी मैड किंग का अंत हो चुका था। टाइविन लैनिस्टर के कहने पर माउंटेन ने रेगार की पत्नी एलिया मार्टेल और उसके बच्चों को मार डाला था। रेगार वैसे भी अपनी पत्नी को छोड़कर अब लियाना के साथ था। लियाना प्रेग्नेंट थी और डॉन के इस कैसल यानी टावर ऑफ जॉय में अपने बच्चे को डिलीवर कर रही थी। आर्थर डेन उसी की पहरेदारी के लिए था, क्योंकि ये बच्चा सेवन किंगडम्स का असली वारिस था, मैट किंग का पोता, प्रिंस रेगार का बेटा। बैरिस्टन सेल्मी को वेस्टरॉस के महान तलवारबाजों में से एक माना जाता है, बल्कि बेस्ट, मगर खुद उनके हिसाब से सर आर्थर डेन उनसे भी बेहतर थे। बैरिस्टन सेल्मी और आर्थर डेन बराबर थे, मगर जब आर्थर डेन के हाथ में उनकी तलवार डॉन आती तो वो बैरिस्टन से बेहतर हो जाते। यानी आर्थर अपने आप में तो बेहतर थे ही, मगर ये तलवार उनके हुनर में चार चांद लगा देती थी। किताबों में जेमी लैनिस्टर एक बातचीत में लॉरेंस टायरेल को कहता है, सर आर्थर डेन तुम जैसे पांच लोगों को अपने उल्टे हाथ से ही निपटा देते। फिर भी आर्थर डेन के नाम पर एक धब्बा है। मैट किंग के जमाने में जब वो लोगों पर क्रूल्टी करता, उन्हें तड़पाता, टॉर्चर करता, तब आर्थर डेन किंग्सगार्ड में शामिल थे। वो मैट किंग के बगल में खड़े होकर ये सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखते, मगर उंगली नहीं उठाते, सवाल नहीं करते। वैसे भी लोगों को लगता था कि अब मैट किंग का जमाना जाने वाला है और जल्द ही प्रिंस रेगार राजा बन जाएंगे, जो बहुत ही नर्म दिल के हैं, लोगों की परवाह करते हैं। शायद रेगार के साथ दोस्ती और उनसे उम्मीद की वजह से ही आर्थर डेन खामोश रहे, मगर क्या पता, किसी भी इंसान में खामियां हो सकती हैं, चाहे वो कितना भी महान हो। नेड स्टार्क अपने साथ पांच लोगों को लेकर अपनी बहन को वापस लेने पहुंचता है डॉर्न। टावर ऑफ जॉय के बाहर सिर्फ तीन टारगेरियन नाइट्स होते हैं, मगर ये मिलकर भी छह पर भारी पड़ने लगते हैं। He's better than my father. Far better. Your father beat him. Did he? No, he did. Heard the story a thousand times. टीवी शो में दिखाते हैं कि ब्रान को पता नहीं था हॉलैंड रीड ने नेड स्टार्क की आर्थर डेन को मारने में मदद की थी। टीवी शो में ब्रान को हैरान दिखाते हैं। उसे अच्छा नहीं लगता कि हॉलैंड रीड और उसके पिता ने आर्थर डेन को मिलकर मारा, मगर किताबों में ब्रैन इस बात को पहले से जानता है। नेड ने ऐसे ही किस्से कहानियों के दौरान उसे बताया, बिना हॉलैंड रीड की मदद के वो आर्थर डेन को नहीं गिरा पाता, उन्हें नहीं मार पाता। वो कहता है, हॉलैंड रीड ने सर आर्थर डेन से मेरी जान बचाई। इसके बाद भी नेड स्टार्क में इतनी तमीज तो थी कि उन्होंने आर्थर डेन की तलवार को सही सलामत उनके घर पहुंचाया। वो स्पेशली स्टारफॉल गए और डॉन को वापस कर दिया। वैसे बता दूं कि हाउस डेन एक डॉनिश हाउस है। ये लोग डॉन के पश्चिमी इलाके में मौजूद रेड माउंटेन्स में रहते थे। किताबों में मीरा रीड ब्रान को सर आर्थर डेन की बहन अशारा के बारे में बताती है। वो कहती है, एक मौके पर सर बैरिस्टन सेल्मी और अशारा ने सबके सामने साथ में डांस किया था। उस वक्त नेट स्टार्क के बड़े भाई ब्रैंडन स्टार्क ने अशारा के पास पहुंचकर अपने भाई के लिए उसका हाथ मांगा था। बेसिकली वो चाहता था कि एडार्ड स्टार्क और अशारा साथ में डांस करें। वो अपने शर्मीले भाई की मदद कर रहा था। खुद ब्रैंडन स्टार्क का अफेयर तो कैटलिन के साथ था।
किताबों में इस बात के हिंट्स हैं कि नेट स्टार्क और अशारा डेन का अफेयर था। सर आर्थर डेन को मारने के बाद जब नेट स्टार्क स्टारफॉल पहुंचते हैं और उन्हें उनकी खानदानी तलवार डॉन वापस करते हैं, तब अशारा कैसल से कूदकर अपनी जान दे देती है। शायद उसके लिए इस बात को एक्सेप्ट करना नामुमकिन था, जिस इंसान को वो प्यार करती है उसी ने उसके भाई को मार डाला। इसके बाद अशारा के साथ और भी बुरा ही होना था। नेड स्टार्क को वापस विंटरफेल जाकर कैटलिन स्टार्क से शादी करनी थी, क्योंकि कैटलिन का रिश्ता नेड के बड़े भाई से तय था, जो मैट किंग के पागलपन की वजह से मारा गया। अब नेड स्टार्क को अपने खानदान का नाम रखना था और कैटलिन से शादी करना उनकी मजबूरी थी। अशारा के पास ना उसका भाई बचा था और ना प्रेमी। किताबों में कई लोग समझते हैं कि जॉन स्नो की माँ अशारा डेन है। कैटलिन ने एक बार नेड से इस बारे में पूछा भी था, मगर नेड गुस्सा हो गया था और उसने कहा, दोबारा कभी मुझसे इस बारे में बात मत करना। मगर आप मुझसे जब चाहे तब बात कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि सर आर्थर डेन के इस वीडियो में कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बाय।